नंबर एक। अगर आप भी ये सोचते हैं कि फरवरी का महीना सिर्फ और सिर्फ प्यार का महीना होता है तो आप गलत है, क्योंकि जिस तरह फरवरी में वैलेंटाइन वीक मनाया जाता है उसी तरह इस महीने में एंटी वैलेंटाइन वीक भी मनाया जाता है। जी हाँ गाइस, वैलेंटाइन डे यानी कि 14 फरवरी के अगले दिन से ही एंटी वैलेंटाइन वीक शुरू हो जाता है और यह हफ्ता भी वैलेंटाइन वीक की तरह ही बहुत खास होता है, क्योंकि जहां वैलेंटाइन वीक लोगों को प्यार करना सिखाता है तो वहीं एंटी वैलेंटाइन वीक लोगों को नफरत करना सिखाता है। इसीलिए यह हफ्ता स्लैप डे से शुरू होता है और ब्रेकअप डे पर आकर खत्म हो जाता है। यानी कि जहां फरवरी की शुरुआत में लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं तो फरवरी जाते जाते उनका यह प्यार ब्रेकअप में बदल जाता है। फैक्ट नंबर दो। इस बॉलीवुड की एक्ट्रेस आलिया भट्ट सिर्फ फिल्मों से ही नहीं बल्कि शेयर मार्केट से भी करोड़ों छापती है। जी हाँ गाइज, साल 2017 में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने वाली आलिया भट्ट एक एंजल इन्वेस्टर भी है, जिसमें उन्होंने फूल से तेल बनाने वाली कंपनी से लेकर बच्चों के कपड़े बनाने वाली कंपनियों तक में इन्वेस्ट कर रखा है, जिसके जरिए उन्होंने 5 सालों में इन सारी कंपनियों से करोड़ों रुपए कमाए हैं। यहां तक कि उन्होंने इसी कमाई से हाल ही में मुंबई के जुहू में 32 करोड़ का घर खरीदा है। गाइस, अब तो बॉलीवुड के एक्टर्स भी ये समझ गए हैं कि शेयर मार्केट में अथाह पैसा है, बस कमी है तो कमाने वाले की।